a circus artist is climbing a 20 meter rope, which is tightly stressed and tied from top of the vertical pole to the ground. Okay. Find the height of the pole if angle made by the rope with the ground is 30. ये देखिए यहाँ पर टाइटली बना है, ये रोप है, ये एंगल 30 है और इसकी लेंथ है वो 20 है, तो ये एच क्या होगा ये मुझे निकालना है। तो नाउ फोकस, वेरी एलिमेंट्री प्रॉब्लम है ये, हाइट एंड डिस्टेंस की, रेशियोज की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वेरी एलिमेंट्री प्रॉब्लम है। तो ये लेंथ अगर मुझे मालूम है, ये निकालना है, तो इस ट्राइंगल के लिए आप देखें तो ये मेरे पास क्या है, ये देखिए परपेंडिकुलर है और ये क्या है, हाइपोटेन्यूस है एंगल 30 के लिए। तो क्या रेशियो लिया जाए, सिंपल साइन 30 लेना है मेरे को। साइन 30 अगर मैं लूंगा तो ये मेरे पास कितना आएगा, परपेंडिकुलर इसके लिए h आ जाएगा और हाइपोटेन्यूस कितना आएगा, l आएगा। ओके, परपेंडिकुलर जैसे ही h आया और हाइपोटेन्यूस l आया तो साइन 30 हम लोग जानते हैं 1/2 होता है और h हमें एवेल्युएट करना है और l कितना है, 20 है। एच मेरे पास क्या आ गया, 10 मीटर आ गया, 10 मीटर आ गया, कोई भी दिक्कत नहीं है। बस अगर हाइट एंड डिस्टेंस की प्रॉब्लम है और या एप्लीकेशन में ट्रिग्नोमेट्री के करना चाह रहा हूं तो मुझे क्या है, थोड़ा तसल्ली से प्रॉब्लम को पढ़ना है, क्या कह रहा है वो देखना है और उसके अकॉर्डिंगली डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद फिर जो रेशियो सूटेबल है उसको अप्लाई करते हुए सॉल्यूशन करना है। ओके,